माँ मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा आ गया, आ गया मेरा बेटा, आजा आजा बेटे। सुनो तो माँ, मैं आ गया माँ। मुझे पता चल गया तू आ गया, आजा खाना खा ले बेटे। माँ तुझे एक बात पता है क्या? मैं आ गया, मैं आ गया माँ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? पहले आंखें बंद करो। अच्छा अब खोलो। माँ मैं आ गया माँ, आ गया। क्या आपके मसूड़ों में दर्द है? हाँ। तो ला मुझे दे। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। भाई मेरे घर में पता चल गया क्या कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो इसमें खुशी क्या बात है? मैंने तेरे घर में बता दे तू भी पीता है। भाई कुछ खिला दे यार। भाई पैसे ही नहीं है यार। जेब दिखा। रसगुल्ले? भाई जेब फटी हुई है भाई। क्यों? ए भैया भैया भाई ये कौन गा हो? तू सूता हम तेल लेके आवा था। ओके चार मिनट हो गए अभी लेना आयलक मर्दावा। ए भाई ए भाई भाई ये कौन गा हो? तू सूता हम तेल लेके आवा था। जेकरा से पूछता नहीं उस कहता कि खाली तेले लेके आवता नहीं, तेले लेके आवता नहीं। रे ये गाँवे के नाम है तू सूता हम तेल लेके आवता नहीं। आई लव यू। नहीं मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या अब हाँ बोलने के लिए मेकअप करोगी? आयोगी माँ। अरे अरे भैया वो नोट मेरा है यार। कैसे मान लूँ दे रहा है? अरे यार भैया वो नोट मेरा है यार सही में। हाँ अच्छा चले एक ऐसी चीज बताओ उस नोट की जिससे मैं समझ जाऊँ कि नोट तेरा है। भैया उस पर मेरे दादा की तस्वीर बनी हुई और आंखों पर चश्मा लगा रखा है। रुक चेक करने दे। ठीक है ओके भाई यही खजाना है। मैं तो इधर घूमने आया। थोर मुझे बचा लो। थोर ठीक है खत्म। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। अरे ओ भाई साहब। हाँ भाई साहब। 10 वाले फ्रूटी कितने की है? 10 वाले फ्रूटी? अरे पागल हो क्या, 10 वाले फ्रूटी 10 का आता है? अरे यार वो मेरा दिमाग से निकल गया था, दे दो। 5 का लगा दोगे?
क्यों रे? कातिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने? हाथ पे हाथ डाल के कलेजा खींच। तो भाई सब ठीक है ना? अरे सूरज भाई ये लो अपना 500 रुपया जो एक महीने पहले लिए थे। अरे भाई इतना भी क्या जल्दी था, चलो ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ तो ला मुझे दे दे। क्यों रे? क्यों रे? हमारे साथ रहेगा तो डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और अपने लिए? हाँ? मामा ज्ञान मत देना। हेलमेट कहाँ है रे? आनीबाड़ी में। लाइसेंस कहाँ है? आनीबाड़ी में। साला ऐसे नहीं मानेगा, चल मेरे साथ। अरे सर कहाँ लेके जा रहे हैं? आनीबाड़ी में। तेरी माँ का फोन आया, फोन तेरी बहन की, तेरी बहन की टांग टूट गई टांग। भाई साहब अंडे कितने रुपए के दे रहे हो? भैया 7 रुपए का है। भाई इतना क्यों ठगे यार, 5 रुपया को दे रहे हो? वहाँ को कहा है वहाँ की मुर्गी तो रंडी है साड़ी। तो भाई सब ठीक है ना? अरे सूरज भाई ये लो अपना 500 रुपया जो एक महीने पहले लिए थे। अरे भाई इतना भी क्या जल्दी था, चलो ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे भाई तेरा साइकिल का पहिया घूम रहा है और तेरी दीदी के साथ मेरा भैया घूम रहा है। क्यों रे? क्या तूने कभी किसी से प्यार किया? नहीं। कभी किसी को दिल दिया? नहीं। मतलब ठक्का है तू। अरे ओ भाई साहब। हाँ भाई साहब। 10 वाली फ्रूटी कितने की है? 10 वाली फ्रूटी? अरे पागल हो क्या, 10 वाला फ्रूटी 10 का आता है? अरे यार वो मेरा दिमाग से निकल गया था, दे दो। 5 का लगा दोगे? हाँ मम्मी। हाँ बेटा कहाँ हो? पूजा का सामान देखने जा रहा हूँ। और पूजा कहाँ है? पास में ही है। क्यों रे? अरे तुम ही है ना जो बाथरूम साफ करता है? अबे तू पागल है क्या, तुझे पता किससे बात कर रहा है? हाँ भैया हम ही साफ करते हैं, नंबर ले लीजिए बाबा, हम ही काम दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा साफ करो कोना कोना। आपको मम्मी से गालियाँ खाकर बुरा नहीं लगता क्या? वो एक हैबिट है। हैबिट है? वो एक हैबिट रहता है जो वाह की... वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। ओम
क्या हुआ, बोल दिखी नहीं क्या? ओए, ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगले वाले तुझे नहीं दिखेगी। अबे विराट कोहली के औलाद, ये लास्ट ओवर का लास्ट बॉल था। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 4 ID 20 फॉलोवर, फिर भी किसी को पता नहीं मैं वीडियो कहाँ पोस्ट करता हूँ। समझ में आया कि मैं कौन हूँ? अब बाबू भाई है, आपका 4 ID है, फिर भी किसी को पता नहीं कि आप वीडियो कहाँ पोस्ट करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कौन है वो गदर, कौन है? अंजले, मैं तुम्हें, तू मुझे। अंजले। अबे धक्का कैसे मारा तूने? कौन है तू? अबे तू हमें नहीं जानता हम कौन है ना? अबे तू हमें नहीं जानता हम कौन है ना? तो ठीक है, हम तुझे नहीं जानते, हिसाब बराबर। आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। लेकिन एक सेकंड। हाँ तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। और भाई साहब आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं। लेकिन एक सेकंड। भाई क्या हुआ? ये ले जहर। अबे पागल है क्या, तुम मेरे को जहर क्यों दे रहे? भाई दरअसल ना मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए था। अरे यार मेरे पास तो जहर खाने। पागल है क्या? चल साले। Come back. इतनी देर से बोल रहा हूँ खम्बा है। मुझे लगा तू कह रहा कम बैक। अजीत खड़ा हो। चलो बताओ दिया क्यों जलती है? सर क्योंकि मैंने पूजा को पटा रखा है इसलिए। क्या बात है, इधर आ बेटा। गलत बस दो मिनट और चाचा, आपका ये बेटा आपको बचा कर रहेगा। मैं रहूं ना रहूं चाचा आपको जिंदा रहना होगा। यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस दो मिनट रुक जाइए चाचा। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा।
की बोल रही खत्म। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम लोग बैट बॉल खेलने आए हैं, लेकिन वो यहाँ गाड़ी तोरे मैन खाली रख लियो सीन में। कई दिन वही दिन के लिए कई बैट बॉल हाँ आवे ना हो 20 पर चलते देखे पर लोग तो दोस्तों वहाँ पे ऐसे चले आए, बहुत गर्मी था, अभी भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, अब ठीक है, देख सकते हैं। उधर क्या है कि पोखर था, नीचे था, उधर और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था, थोड़ा भी हवा नहीं चल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गया है। शाम है तब इतना गर्मी लग रहा है, दिन में कितना गर्मी लग रहा होगा। इधर आए सोचे हवा चलेगा, इधर हवा भी नहीं चल रहा है, थोड़ा भी हवा नहीं चल रहा है। घर पे लाइन भी कट गया, इसीलिए सोचे इधर आते हैं, कुछ गर्मी लगेगा तो, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओ भाई साहब, थोड़ा इधर घूम लेते हैं, देख ही सकते हो ना का एक ही ठिकाना है, खेत और अपना अड्डा पे डेली पहुंच जाते हैं। आज भर बस आपको यहीं पे ब्लॉग मिलेगा, अगले दिन से मैं अलग जाऊंगा और अलग जगह पे ब्लॉग बनाऊंगा। बस आज भर आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग नहीं मिलेगा, अलग ब्लॉग बनाएंगे, यहाँ का ब्लॉग आप नहीं बनाएंगे। गर्मी तो बेतुकार है, हालत ख़राब है, अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देर इधर बैठ कर फिर जाते हैं घर पे, कहीं लाइट आया होगा तो पंखा चलाकर ये वीडियो डालेंगे। आप लोग कोई बताए नहीं कि आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं, और जो स्टूडेंट है जो पढ़ता है वो आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो। मैं तो क्लास 10 में हूँ, एक साल मेरा बचा है, उसके बाद खुल्ला, उसका भरपूर ब्लॉग बनेगा डेली, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, और भी सारा चैनल है, सबको देखना पड़ता है, उसी लिए। एक मिनट, नो नो नो, अब ठीक, कैमरा हमेशा इस साइड रखना चाहिए, हम उल्टा साइड कैमरा रखते थे और फोकस आप लोगों के आप लोगों पे नहीं जाता था, फोकस मोबाइल पे सिर्फ ही जाता था। अब मैं देख रहा हूँ आपको आई टू आई, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, अब ठीक है। बताइए आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये ब्लॉग छोटा ही बनाएंगे, बहुत गर्मी लग रहा है भाई साहब, बर्दाश्त से फालतू लगा भी, थोड़ा भी अगर हवा चलता, हल्का भी हवा, तो कुछ राहत रहता, लेकिन एक पत्ता भी नहीं डोल रहा है, एक पत्ता भी डोलता सो भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं डोल रहा है, हालत देख रहे धीरे धीरे और भी बदतर होती जा रहा है, बैठे बैठे इतना हालत बदतर हो रहा है, वहाँ पे रहते तो अभी हालत भी गंभीर हो जाता। इससे बढ़िया तो अच्छा रहेगा, का है गाड़ी अगर लेके थोड़ा अगर टहल जाए तो सबसे बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, हवा के पूरा हवा का, तो वही करेंगे। अब जाते हैं घर और गाड़ी लेंगे और निकल जाते हैं, इतना अच्छा हवा लगेगा, तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे में नहीं होने वाला है। कल तो रविवार है, कल हम लोग का छुट्टी है, कल भी एक ब्लॉग बना लेंगे। आप लोग में से कोई भी यूट्यूबर है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को सपोर्ट भी करूँगा। आप लोग अभी तक एक भी आदमी कमेंट नहीं किए हैं कौन यूट्यूबर है कौन क्या है, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं मैं आप लोग को सपोर्ट। एक मिनट, अरे बैकग्राउंड देख सकते पूरा वाइट वाइट, फोकस नहीं हो रहा बैकग्राउंड, एक मिनट दिखाते हैं आप लोग आसमान में अभी कैसा है, बादल लगा है या नहीं लगा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
कैमरा खोलते हैं सिर्फ हम ही को फोकस करता है। बैकग्राउंड को हटा दिया, देख सकते हैं अभी ऐसे करेंगे तो अब आ गया बैकग्राउंड, आसमान को मतलब वाइट कर देता है। जैसे ही आसमान को फोकस करेंगे तब उसको पूरा जैसा कलर है वैसा दिखाता है। ऐसे में काम नहीं चलेगा दोस्तों, गर्मी बेतुकार है, कहीं मन न खराब हो जाए। थोड़ा दिन बचा हुआ है, एक दो दिन, 7 दिन बचा है, 7 दिन के बाद गर्मी छुट्टी होगा तो फिर से कटाएंगे केस, तब फिर से लुक अच्छा रहेगा, तब आप लोग को वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा, मेरा फेस भी अच्छा लगेगा। अभी तो नहीं, केस नहीं कटाए क्योंकि कुछ दिन पहले ही कटाए हैं, अभी कटाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मी छुट्टी होगा तो अच्छा से कटिंग कर पाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बर्दाश्त फाजुल है दोस्तों, देख सकते हैं, ये देखिए पूरा देखिए, लगता है जैसे कि मैं नहा के आया हूँ घर से। अगर अभी नहा ले तो पूरा ठंडा ठंडा हो जाए, लेकिन शाम को उस दिन नहाए थे बुखार लग गया था, शाम को अब से नहीं नहाएंगे, चाहे कितना भी गर्मी लगेगा ज़रूर लाइन आ गया होगा घर पे। यही होगा, घर पे जाते पंखा चला लेंगे, कहे कि अभी कोई काम भी नहीं है जो गाड़ी लेके जाएंगे, कोई काम रहेगा तब ना, बिन मतलब का गाड़ी लेके कहाँ घूमते रहेंगे, उसीलिए काम भी नहीं है, जाते हैं पंखा चलाएंगे तूफान और अच्छा से हवा लेते हैं। और ये ब्लॉग आप लोग को अमन फिल्म स्टार पे मिलेगा, अमन फिल्म स्टार पे मिलेगा 6:39 में, आप लोग देख लेना, अभी तुरंत ही अपलोड होने वाला, 6 लगभग बज ही गया होगा, जाते इसको सेव करेंगे और अपलोड करेंगे, आप लोग देख लेना। तो बढ़ते हैं घर की तरफ और चलते चलते आप लोग को ब्लॉग बनाते हैं। जैसा कि अंदर देख सकते हैं, ये देखिए अंदर का हालत, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करते, छोड़ते हैं अब ब्लॉग को यहीं पे, बस आप लोग से एक चीज़ कहेंगे कि अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे अच्छा अच्छा ब्लॉग अब आने वाला है, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा, सी यू।